रस्म और रिवाज की जो परवाह करते हैं। प्यार में वो लोग गुनाह करते हैं। इश्क वो जुनून है जिसमें दीवाने अपनी खुशी से खुद को तबाह करते हैं। ऐसी ही एक कहानी जिसमें दो प्यार करने वाले अलग हो गए एक दूसरे से हमेशा के लिए। लेकर आए हैं हम आपके लिए एक अधूरी कहानी, और वो कहानी है अली गोनी और नताशा स्टैनकोविक की। ये है मोहब्बते के रोमी, यानी कि अली गोनी की नताशा संग मुलाकात हुई थी एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू। पहली मुलाकात के बाद तुरंत दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने लगे। अली और नताशा के बीच बहुत जल्द डेटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। जी हाँ, साल 2014 में ये दोनों एक दूसरे को ऑफिशियली डेट करने लगे। जितना जल्दी इनका रिश्ता जुड़ा था, उतनी ही जल्दी इस रिश्ते में दरार भी आने लगी थी। कल्चर डिफरेंसेस के वजह से इन दोनों के झगड़े होने लगे। वही उस साल नताशा को ऑफर हुआ बिग बॉस सीजन 8, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, पर कुछ ही हफ्तों में वो एविक भी हो गई, जिसका अफसोस उन्हें हुआ। Also, I'm a little bit sad, क्योंकि I had not thought that I will be sad when I leave the house, but actually I am. I'm missing it. So. सोर्सेस की माने तो जब नताशा बिग बॉस 8 के घर में थी, तब अली उन्हें बेहद मिस करते थे। इस शो के बाद अली और नताशा ने एक बार फिर उनके रिश्ते को मौका दिया, पर कुछ दिनों में बैक टू स्क्वायर वन दोनों के बीच फिर होने लगे कंपैटिबिलिटी इश्यूज, जिसकी वजह से दोनों म्यूचुअली एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद इन दोनों की तकदीरें फिर मिली और साल 2019 में अली और नताशा को ऑफर हुआ डांसिंग रियलिटी शो नच बलिए सीजन 9। दोनों ने इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया और एज ब्रेकअप कपल शो पर नजर आए। दोनों उनकी डांसिंग स्किल की वजह से शो के फिनाले तक पहुंचे। दोनों की केमिस्ट्री ऑडियंस को बेहद पसंद आई और लोगों को लगने लगा कि अली और नताशा फिर एक हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। नच बलिए की इस जर्नी में उनके रिश्ते में खास बदलाव नहीं आया। इसके बारे में अली और नताशा ने बात की थी टेली मसाला के साथ। रिलेशनशिप में बदलाव हमारे में कोई बदलाव आया नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत क्लोज थे एक दूसरे के। हम बहुत अच्छे दोस्त थे इस शो से पहले भी, हम ऐसे ही थे हमेशा। हम फन थे, एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते हैं, छोटी मोटी बहस भी हो जाती है तो 5 मिनट में ठीक हो जाता है, तो हमारे बहुत नॉर्मल था। बट हाँ, अच्छा हुआ काफ़ी टाइम बाद हमने बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड किया। आई थिंक आफ्टर 3 ईयर्स, वरना हम बीच बीच में कहीं मिलते थे, बट अच्छा लगा काफ़ी टाइम बाद हमने स्पेंड किया है। सो इट्स गुड, मज़ा आया एंड टीम बहुत अमेजिंग थी, सो वी ऑल गोना मिस। इस शो के तुरंत बाद नताशा के एंगेजमेंट की खबर आई। जी हाँ, नताशा को उनके बॉयफ्रेंड क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने किया प्रपोज विद अ रिंग, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। नताशा के एंगेजमेंट के बाद फैंस ने अली को बेहद ट्रोल किया। तब अली ने एक इंटरव्यू में कहा, ये बहुत फनी चीज है जैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। मेरे ऐसे मीम्स बना रहे हैं जिसमें मैं रो रहा हूँ विद अ सैड सॉन्ग इन द बैकग्राउंड। दो एक्सेस फ्रेंड्स क्यों नहीं हो सकते? नताशा और मेरा रिलेशनशिप क्लियर था शुरुआत से ही, हम एक नहीं होने वाले हैं। हम ट्राई भी कर चुके हैं पर हम अभी अच्छे दोस्त हैं। नताशा ने मुझे हार्दिक के बारे में बताया था, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आई रिमेम्बर नच बलिए की प्रैक्टिस के दौरान भी हार्दिक के कॉल्स आते थे, वो नताशा का बहुत ख्याल रखता है। दोनों बहुत अच्छे लगते हैं एक दूसरे के साथ। They make a perfect match. Natasha is a darling. She is sweet and caring. जब अली से पूछा गया कि क्या उन्हें नताशा के एंगेजमेंट के बारे में पता था, तो सुनिए उनका जवाब। नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। ये तो नताशा के लिए भी सरप्राइज था, वरना वो मुझे जरूर बताती। मैंने उसे मैसेज किया और कंग्रेचुलेट किया। नताशा के बाद अली का नाम जुड़ा जासमीन भसीन के साथ, पर अली की बात माने तो वो और जासमीन है वेरी गुड फ्रेंड्स। वेल, अली और नताशा के इस ब्रेकअप स्टोरी को लेकर आपका क्या कहना है? अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और देखते रहिए टेली मसाला।